दोस्तों बात करें यहाँ पर बीपीएससी, यहाँ पे टीआरएस 3.0 बात करें, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई। वैकेंसी बात करें, सूबे के सभी जिले से रिक्त पदों को प्राप्त करने की जा रही जानकारी। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। जैसे कि बात आपने अभी देखा दोस्तों, दूसरे चरण की बात करें यहाँ पर काउंसलिंग भी हो गई, अब यहाँ पे नियुक्ति पद दोस्तों मिलने वाला है और तीसरे चरण का भी आगाज हो चुका। तो बात करें यहाँ पर पहले चरण में खाली रह गए 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे और सहायक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों आगे बात करें बीपीएससी के दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिले में भी चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी। तो तैयार हो जाओ सभी। इसके तहत जीरो से बात करें, देखो अभी पूरा डेटा नहीं आया है पर एक अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके तहत जीरो से यहाँ पे रिक्त पद की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए सहायक शिक्षकों के पदों को नियमित बनाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने संबंध में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में भी नियमित शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियमित नियुक्ति का रास्ता दोस्तों साफ हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों बात करें, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की सेवा मध्य विद्यालय में ली जा रही है। इनको नियत वेतन 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इनके 8,000 से अधिक यहाँ पे पद हैं। बात करें यहाँ पर और भी अपडेट है, यहाँ पर देख पा रहे हो विशेष शिक्षक के 7200 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति इसमें होगी। स्पेशल टीचर की विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया। इन पदों को भी तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। समझ लीजिए जितना दोस्तों पोस्ट खाली रहेगा बीपीएससी के टीआरए 1 में और टीआरए 2 में, सारे पोस्ट जुड़ जाएंगे टीआरए 3.0 में। साथ ही साथ विशेष शिक्षकों यानी स्पेशल टीचर एजुकेशन जो टीचर हैं के 7200 से अधिक यहाँ पे पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी माह में पात्रता परीक्षा भी दोस्तों संभव है, इसीलिए यहाँ पे बीएस स्टेट की भी करवाया जा रहा है।